आइए आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चित्तूर मंडल में, जहां के लोगों ने अपनी पानी की दिक्कत को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। पानी से होने वाली बीमारियां भी खत्म हो गईं और घर घर सस्ता और साफ पानी मिलने लगा। ये एक पुरस्कृत पंचायत है, इसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। स्वच्छ निर्मल जल, यही जल जीवन का आधार है। लेकिन हमारे देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां जीवन की ये मूलभूत जरूरत या तो उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ऐसा ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश। देश के दक्षिणी हिस्से में बसे इस राज्य के अधिकतर हिस्से में सूखे और खारे पानी की समस्या है। अब से कुछ समय पहले तक यहाँ पीने का साफ पानी मिलना भी एक चुनौती थी। यहाँ जमीन के नीचे मौजूद पानी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लौह तत्व और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। गांवों में तो हालात और भी चिंताजनक थे। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बीएनआर पेटा ग्राम पंचायत ने गांव वालों के लिए साफ पानी मुहैया कराने का संकल्प लिया। चित्तूर जिला परिषद और RWS ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के आर्थिक सहयोग से बीएनआर पेटा ने कोशिशें शुरू की और बीएनआर पेटा में पहला रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट यानी आरओ प्लांट लगाया गया। इस प्लांट को लगाने के लिए जमीन और भवन निर्माण का पूरा खर्च ग्राम पंचायत ने ही किया। इस सफल कोशिश ने चित्तूर मंडल प्रजा परिषद की 8 पंचायतों को भी आरओ प्लांट लगाने के लिए जागरूक किया। इससे चेरदोपल्ली, कुचिवेणु, अपत्थाकम, मुत्तुकुरु और पालरो सहित आसपास की तमाम पंचायतों को साफ पानी का रास्ता मिल गया। अगला नंबर चित्तूर मंडल प्रजा परिषद में स्थित कुचिवेणु ग्राम पंचायत का था, जिसने आरओ वाटर प्लांट के लिए घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्याएं पूछी। इसके बाद लोगों को पानी की वजह से होने वाली बीमारियों और स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। लोगों से बात करने के बाद आरओ प्लांट लगाने की जरूरत पुख्ता हुई। साफ पानी और उससे होने वाले फायदे के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। जोर शोर से जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसे ही आसपास के करीब सभी पंचायतों ने आरओ वाटर के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आरओ प्लांट लगाने का तरीका बहुत साधारण है। आरओ प्लांट लगाने को लेकर ग्राम सभा मिलकर फैसला लेती है, जिसे पंचायत के सामने रखा जाता है और फिर फंड के लिए कोशिशें शुरू की जाती हैं। पंचायतों को जिला परिषद, सांसद निधि कोष और स्थानीय प्रशासन से आंशिक तौर पर फंड उपलब्ध कराया जाता है। जिसके बाद पंचायत ग्रामवासियों की सुविधा अनुसार आरओ प्लांट के लिए पंचायत की भूमि आवंटित कर देती है। साथ ही भवन निर्माण की जिम्मेदारी भी पंचायत की ही होती है। गांव की जनसंख्या के आधार पर आरओ प्लांट की क्षमता तय की जाती है। आमतौर पर प्रति घंटे 1000 लीटर की क्षमता वाला आरओ प्लांट लगाया जाता है। यहां से गांव के लोग सिर्फ 2 रुपए में 20 लीटर तक पानी ले सकते हैं, जबकि 20 लीटर मिनरल वाटर के लिए बाजार में 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बुजुर्ग, बच्चे सभी बुखार से पीड़ित हुआ करते थे। खारे पानी की वजह से उन्हें उल्टियां और पेट दर्द हुआ करती थी। जब से आरओ प्लांट लगा है सभी स्वस्थ हैं। हम यही पानी खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम सब स्वस्थ हैं। सस्ता पानी मिलने की वजह से गांव वाले सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि खाना बनाने में भी आरओ प्लांट के साफ पानी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से 1 घंटे में करीब 1000 लीटर तक साफ पानी मिलता है।
इस प्रक्रिया के दौरान करीब 60-70% पानी बर्बाद भी होता है और 2 यूनिट बिजली प्रति घंटे की खपत होती है। इसे चलाने के लिए सिंगल फेज बिजली की जरूरत होती है। आरओ सिस्टम इन 2 सिलेंडरों के जरिए पानी को कीटाणु मुक्त कर पीने योग्य बनाता है। आरओ प्लांट को एक बार में 2 घंटे के लिए चलाया जा सकता है। अतिरिक्त पानी को रिजर्व रखने के लिए 2000 लीटर की क्षमता वाला एक वाटर टैंक लगाया गया है, जिससे ग्रामीण किसी भी समय आकर पानी ले सकते हैं। एक के बाद एक चित्तूर मंडल प्रजा परिषद की कई ग्राम पंचायतों ने तेजी से पहल की और देखते ही देखते ज्यादातर पंचायतों में आरओ प्लांट लग गए। आरओ प्लांट से गांव के लोग अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले सकते हैं। कई पंचायतों में तो स्मार्ट कार्ड से पीने का पानी लेने की सुविधा भी उपलब्ध है। आरओ प्लांट का रखरखाव और संचालन भी बहुत आसान है। प्लांट की देखरेख के लिए एक प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया गया है, जिसे ग्राम पंचायत की तरफ से हर महीने वेतन मिलता है। समय समय पर यह स्टाफ आरओ सिस्टम को ऑन करता है, जिससे टंकियों में पानी भरना शुरू होता है। पानी के मानक स्तर पर शुद्धता, प्लांट का रखरखाव और मरम्मत उसी की जिम्मेदारी है, और जब टंकी में पानी भर गया तो वो आरओ सिस्टम को बंद करता है। बिजली है या नहीं, टंकी में पानी कितना बचा है, इन सभी बातों का ध्यान रखता है। आरओ प्लांट को लगाने में करीब 29 लाख रुपए का खर्च आया। साफ पानी पाकर इन ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदल गई है। अब बीमारी नहीं, खुशियां घर में आती हैं। सस्ता साफ पानी मिलने से न सिर्फ यहाँ के लोगों के चेहरे खिल गए हैं, बल्कि स्वास्थ्य दर भी बेहतर हुई है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी पहले से ज्यादा है। कृषि और पशुपालन भी बेहतर हुआ है। थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी से की गई कोशिशों की बदौलत वर्षों पुरानी पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल गया। ये पूरी प्रक्रिया इतनी आसान और उपयोगी है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आरओ प्लांट लगाकर पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है।